पूरी दुनिया में गूंजा भारत माता की जय का नारा। इसरो ने वो कर दिखाया जिसका उसने वादा किया था। विक्रम रोवर ने चांद पर नई खोज का चलाया महाअभियान। स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में भारत की बहुत बड़ी जीत, वो जीत जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों 23 अगस्त 2023 का दिन दुनिया के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया है, खासतौर से हमारे भारत के इतिहास में। इस दिन को हर साल एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि ये वही दिन है जब चंद्रयान 3 ने चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड किया और दुनिया को दिखाया कि आज का भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में किसी से पीछे नहीं है। और पूरा देश इस वक्त इसरो और चंद्रयान की सफलता का जश्न मना रहा है और दुनिया भर के न्यूज चैनलों पर हमारे देश और स्पेस एजेंसी की चर्चा चल रही है। हर तरफ से हमें इस कामयाबी के लिए बधाइयां मिल रही है। लेकिन इसरो वैज्ञानिकों ने जीत के इस माहौल में अपना फोकस नहीं खोया है। उन्हें मालूम है कि ये मिशन अभी आगे 14 दिनों तक चलने वाला है और इन 14 दिनों में कोई गड़बड़ी ना हो सके, इसके लिए जो वैज्ञानिक है वो फिर से अपने काम में लग गए हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि चंद्रयान तो सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कर चुका है, तो ऐसे में इसरो 14 दिन तक और क्या करने वाला है? तो क्या ऐसे में मिशन का कुछ हिस्सा अभी भी बाकी है? अगर हाँ तो वो क्या है? तो आइए आपको सब कुछ डिटेल से समझाते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 23 अगस्त की शाम चंद्रयान 3 की लैंडिंग को करोड़ों लोगों ने लाइव देखा और ये दुनिया में एक नया कीर्तिमान बना। दरअसल अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा एक ऐतिहासिक पल की लैंडिंग को लाइव दिखाने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों में बच्चों को ये लाइव इवेंट दिखाया गया और साथ ही लोग अपने मोबाइल और टीवी पर भी इस ऐतिहासिक पल को देख सके, इसका भी खास इंतजाम था। अब जैसे ही चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर अपना कदम रखा तो ऐसे में हर तरफ जश्न का माहौल शुरू हो गया। यहाँ तक कि लोगों ने खुशी में आतिशबाजी भी की और वाकई ये जो दिन है वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। भारत अब चांद पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है और सोचिए पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जो चांद तक पहुंच पाए हैं और उन 4 देशों में से एक हमारा भारत है। ये सोचकर ही हमें गर्व महसूस होता है। इसके साथ ही चांद की दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला भारत पहला देश बन चुका है। जब कभी चांद के इस इलाके में पहुंचने वाले देशों की लिस्ट बनेगी तो उसमें भारत का नाम हमेशा ऊपर रहेगा, क्योंकि ये कारनामा सबसे पहले भारत ने ही किया है। और आज हमारे देश का झंडा सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि चांद पर भी लहरा रहा है। और इन सब उपलब्धियों के लिए हमें अपनी स्पेस एजेंसी इसरो और इसमें काम करने वाले वैज्ञानिकों पर फक्र होना चाहिए। और इतनी बड़ी सफलता मिलने पर भी वैज्ञानिकों ने अपना जो फोकस है वो मिशन से बिल्कुल नहीं हटाया है और ऐसे डेडिकेशन के लिए उन्हें दिल से सैल्यूट है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इस मिशन में अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले चलिए हम आपको बताते हैं कि हमारे लिए इस कामयाबी का क्या महत्व है और ये माइलस्टोन हासिल करने में हमारे वैज्ञानिकों को कितनी मेहनत करनी पड़ी है। दोस्तों आपको 2008 में हुआ चंद्रयान 1 मिशन तो याद ही होगा और ये श्रृंखला का पहला मिशन था जो पूरी तरह कामयाब भी रहा था। लेकिन इस मिशन में चांद पर लैंड करना शामिल नहीं था, तो ऐसे में हमारे इसरो वैज्ञानिकों ने इस लैंडिंग को अपने अलग मून मिशन यानी कि चंद्रयान 2 का हिस्सा बनाया। यानी भारत जो कि आज चांद पर पहुंचा है तो उसका ख्वाब उसने 13 साल पहले देखा था। शुरुआत में इसरो ने चंद्रयान 2 को 2008 में पहला मिशन सफल होने के बाद कुछ ही सालों में लॉन्च करने का प्लान बनाया था, लेकिन इसकी तैयारी जितनी सोची थी उससे कहीं ज्यादा इसमें समय लग गए। और यही वजह थी कि चंद्रयान 1 के बाद चंद्रयान 2 मिशन को 11 साल बाद यानी कि 2019 में लॉन्च किया गया। यानी कि आज जो कुछ भी हम अपने चंद्रयान 3 में अचीव कर रहे हैं उसका प्लान हमने चंद्रयान 2 में बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य से हमारा मिशन पूरी तरह से कामयाब न हो पाया और चंद्रयान 2 का लैंडर अपने आखिरी कुछ मिनटों में बेकाबू होकर चांद पर ही क्रैश हो गया। यानी कि 11 साल तैयारी करके भी हम उस मिशन में कामयाब नहीं हो पाए। तो ऐसे में दुनिया के कई देशों ने न सिर्फ हमारी एबिलिटी पर सवाल उठाया बल्कि हमारे फेलियर का भी मजाक बनाया। इसलिए उन सभी देशों को जवाब देने और उनका मुंह बंद करने के लिए चंद्रयान 3 मिशन का कामयाब होना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दोस्तों जब चंद्रयान 2 का लैंडर चांद की सतह पर क्रैश हुआ तो उस समय के इसरो चीफ के सिवन ने मिशन के आखिरी 15 मिनटों को 50 मिनट ऑफ टेरर का नाम दिया था। और उन 15 मिनटों की जो याद थी वो चंद्रयान 3 की लैंडिंग के दौरान भी बिल्कुल वैसी ही रही। असल में दोस्तों इस तरह के मिशन जिसमें किसी दूसरे प्लेनेट या सेलेस्टियल बॉडी पर लैंड करना होता है तो उनमें लैंडिंग से पहले कुछ मिनट बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। अब यहाँ पर चंद्रयान 2 की बात करें तो वो उन आखिरी पलों में हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल नहीं हो पाया था।
और जिसके चलते उसने क्रैश लैंडिंग किया था। लेकिन इस बार इस तरह की सभी मुसीबतों से निपटने के लिए हमारे वैज्ञानिक पहले से ही तैयार थे, और यहां तक कि इसरो चीफ एस सोमनाथ ने पहले से ये कह दिया था कि चाहे चंद्रयान के सारे सेंसर्स और दो इंजन फेल ही क्यों ना हो जाए, उसके बावजूद भी चंद्रयान 3 जो है वो लैंड जरूर करेगा। इसके अलावा अगर सिचुएशन बिल्कुल खराब हो जाती है तो इसरो ने इसके लिए भी प्लान बी बनाया हुआ था। तो ऐसी कंडीशन में लैंडिंग को डिले कर दिया जाता है और फिर 27 अगस्त को ये चांद पर उतरता है। लेकिन सौभाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारा चंद्रयान जो था वो प्लान ए के अनुसार चांद की सरजमीन पर सुरक्षित रूप से लैंड कर पाया। तो अब बात करते हैं कि ये मिशन 14 दिनों तक आखिर क्यों चलने वाला है। तो असल में दोस्तों, अगर इसके बारे में हम आपको बताएं, अभी तो चंद्रयान 3 का रोवर बाहर निकला है, अब आगे उसे अंधेरी और वीरान दुनिया में अपनी रिसर्च को अंजाम देना है, जिसके लिए उसे वहां भेजा जाएगा। और इसरो वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च को पूरा करने के लिए 14 दिन यानी कि एक लूनार डे का प्लान बनाया है, और इस काम को करने के लिए चंद्रयान 3 के साथ प्रज्ञान रोवर भी भेजा जाएगा, और 6 पहियों वाला ये बेहद आधुनिक रोवर वहां खोज करेगा। और प्रज्ञान रोवर की मदद से इसरो वैज्ञानिक चांद के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहां अपना टेस्ट करेंगे। हमारा जो ये रोवर है वो चांद की सतह के सैंपल कलेक्ट करेगा और उन पर जरूरी टेस्ट रन करके जो रिजल्ट आएगा उसे पृथ्वी पर यानी कि इसरो के वैज्ञानिकों को ये भेजेगा। इन 14 दिनों में चांद के वायुमंडल, मिट्टी और पत्थरों पर शोध किया जाएगा, और साथ ही वहां आने वाले भूकंप का भी इसरो के जो वैज्ञानिक है उसकी गहनता से अध्ययन करेंगे। इन सब के अलावा पानी की खोज भी इस मिशन का एक अहम हिस्सा रहेगी। दरअसल चांद के इस हिस्से में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े गड्ढे मौजूद है जिनके अंदर करोड़ों अरबों सालों से सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंची है, और इसके चलते बहुत से वैज्ञानिकों को इन गड्ढों के अंदर बड़ी मात्रा में पानी के मौजूद होने की उम्मीद है। तो ऐसे में इस पर भी इसरो वैज्ञानिकों की खास नजर है। तो दोस्तों, अगर सच में इन गड्ढों के अंदर पानी का कोई बड़ा स्रोत मिलता है तो ये चांद पर जीवन बसाने की दिशा में एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो ये सारे टेस्ट और रिसर्च पूरा करने में इसरो को 14 दिन लग जाएंगे, और ये काम पूरा होने के बाद चंद्रयान 3 मिशन को आधिकारिक रूप से संपूर्ण मान लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस मिशन में बस एक चीज ऐसी है जिसका हमें थोड़ा दुख रहेगा। दरअसल हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर मिशन पूरा होने के बाद चांद पर ही रह जाएंगे, क्योंकि इसरो ने इन्हें वापस धरती पर लाने का कोई प्लान नहीं बनाया है। तो अपने काम को पूरा करके हमारे ये जो 2 उपकरण है ये हमेशा के लिए हमें अलविदा कह देंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसरो अपनी इस खोज में चांद पर पानी ढूंढ पाएगा या नहीं, या उसे पानी मिलेगा या नहीं, तो कमेंट में इसके बारे में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे चंद्रयान 3 की एक और नई अपडेट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।